हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 19 जुलाई की जो घटनाएं थी, इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और खेल संबंधी जो घटनाएं थी, करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, क्या है नया और क्या है अच्छा। फ्रेंड्स, हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को प्रेस करके हमारे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और चैनल के बराबर में जो बेल आइकन होता है उसे आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, बिना देर गवाए चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है, वो है ब्रिक्स मीडिया फोरम दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में शुरू हुआ है। केप टाउन जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के शहर का नाम है, ये आप यहाँ पर नोट कर लें। केप टाउन तो एक साउथ अफ्रीका के शहर है, उसका नाम है केप टाउन। में आपको एक प्रकार से और बता दूं कि केप टाउन में सबसे पहला एक ऐसा शहर है दुनिया का जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने जा रही है, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो ब्रिक्स देशों की जो समिट थी वो यहाँ पर केप टाउन में आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर इसमें ब्रिक्स देशों ने जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने भाग लिया था इस मीडिया में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट लर्निंग पॉइंट ये है कि जो इस नाम जो था तीसरा ब्रिक्स, ये था तीसरा ब्रिक्स मीडिया फोरम। कौन सा था? तीसरा ब्रिक्स मीडिया फोरम, ये बात आप याद रखें कि ये तीसरा ब्रिक्स मीडिया फोरम था। और इसका नाम दिया गया था ब्रिक्स मीडिया कोऑपरेशन फॉस्टिंग इन इंक्लूसिव जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। तो अब इसका ये नाम जो है शायद पूछा जा सकता है, ये बहुत बड़ा नाम है, ब्रिक्स मीडिया कोऑपरेशन फॉस्टिंग एंड इंक्लूसिव जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर आयोजित किया गया था। तो ये हो गया हमारा एक पोर्शन। और दूसरी की न्यूज़ आती है, राष्ट्रीय न्यूज़, नेशनल न्यूज़ है, ये है मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों में क्षेत्रीय विमानन पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को स्वीकृति दे दी है। मतलब तो जो विमानन के ब्रिक्स देशों के जो संपर्क हुए थे हमारे, मतलब तो जो ज्ञापन हुए थे उन पर प्रधानमंत्री मोदी ने के उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं मंत्रिमंडल ने। यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों में क्षेत्रीय विमानन साझेदारी के समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है। ब्रिक्स देशों में आप जानते हैं फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के आप किस प्रकार से नाम कैसे सुन सकते हैं, आप ब्रिक्स देशों के कौन कौन से देश हैं, बी फॉर ब्राज़ील और आर फॉर रशिया, एफ आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश आते हैं ब्रिक्स में। फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, दूसरा जो हमारा दिया गया है, इससे होगा नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना से ब्रिक्स देशों को लाभ होगा। जो अन्य देश हैं, ये फॉरेन कंट्रीज हैं, इन्हें लाभ होगा पाँचों कंट्रीज़ को। और दूसरा पॉइंट दिया गया है, यह समझौता ज्ञापन भारत तथा ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच नगर विमानन संबंधों के महत्वपूर्ण है और इसे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने की क्षमता है। तो यहाँ पर ये सरकार का मानना है कि जो बुनियादी ढांचे के अनुसार दिया गया है वो सब इसमें इंक्लूड हो और इसमें क्या नाम है, शहरों को अच्छा रोज़गार मिले लोगों को इसमें विदेश। फ्रेंड, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के, यानी आर्मी से, डिफेंस से जुड़ा हुआ है भारत के। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2018 में भाग लेगा IAF, यानी IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स भाग लेगा पिच ब्लैक 2018 में। तो भारतीय वायुसेना पहली बार, तो आप इसका नाम याद रख लें, पिच ब्लैक 2018 में भाग लेगा कौन, इंडियन एयरफोर्स। उसमें आप यहाँ देखें, भारतीय वायुसेना पहली बार पिच ब्लैक में PB 2018 में लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में 14 जुलाई से 18 अगस्त तक होगा, 14 जुलाई से और 18 अगस्त 2018 तक आयोजित होगा, आप इसका भी एक बार ध्यान रखें। और इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या है, यह है पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना द्वारा आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। मतलब ये 2 साल तक जो ये युद्ध अभ्यास है हमारा, ये 2 साल तक चलने वाला है। और जो IAF दल के पास 145 यानी इंडियन एयर के पास जो हैं वो एयर वॉरियर्स हैं, एयर योद्धा जो हैं वो 145 हैं, इसमें 4 गरुड़ की 4 XU-30 MKI-30 और 1 XC एंड 130 और 1 XC-17 शामिल हैं, ये इसमें विमान शामिल होंगे इसके अभ्यास में। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं, विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, भारत और USA के बीच गृह भूमि सुरक्षा वार्ता पर वरिष्ठ अधिकारी बैठक आयोजित हुई। और ये बैठक जो आयोजित हुई है फ्रेंड्स, ये हुई है नई दिल्ली में।
आप इसका ध्यान रखें। ये बैठक आयोजित हुई है सिर्फ नई दिल्ली में, ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और बैठक में सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क और अप्रवासन विमानन सुरक्षा क्षमता आदि निर्माण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दोनों पक्ष इन मुद्दों से हल करने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर सहमत हुए हैं। तो ये भारत के और जो अमेरिका के लोग थे उन पर दोनों में रूपरेखा तैयार करने को सहमत हुए हैं। इसमें पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रोजगार से जुड़ी हुई है। पीएम ईजीपी ने पिछले 3 वर्षों में 11 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। फ्रेंड्स ये आंकड़ा है, ये राज्यसभा में सदन में दिया था गिरिराज सिंह ने, भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने ये आंकड़ा दिया था। अब इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं क्या है ये, क्या है मामला। प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम ईजीपी ने पिछले 3 वर्षों यानी 2015 से और सॉरी वो 2015 से 2018 के दौरान 11,13,000 से अधिक रोजगार पैदा किए हैं। 13,000 से अधिक, ये बहुत बड़ा आंकड़ा से फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो 11 लाख से अधिक जो रोजगार पैदा किए हैं किसी योजना के अंतर्गत PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम, ये आप 3 चीज़ याद रखें और इससे ही ये आंकड़ा यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने रोजगार पैदा किए हैं, 11 लाख से रोजगार किस योजना के अंतर्गत पैदा किए गए हैं, तो आप जान सकते हैं इसमें PMEGP। फ्रेंड्स चलते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर 6 पॉइंट देखने वाला ये है, डिफेंस से जुड़ा हुआ है ये भी। रक्षा सहयोग पर भारत अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई है, ये कहाँ बैठक हुई है हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन ये जो बैठक है वो रक्षा सहयोग के ऊपर हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, भारत अमेरिकी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंग के रूप में भारत और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच 7वीं रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल संबंधी एक बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता सचिव रक्षा उत्पादन यानी डॉक्टर अजय कुमार ने, अध्यक्षता करने की डॉक्टर अजय कुमार ने और उसके संबंधी उपमंत्री सुश्री एलन एम लॉर्ड ने की है। ये अमेरिका की हैं एलन लॉर्ड और ये भारत की हैं अपने। और हम यहाँ देख लेते हैं, इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार भारतीय रक्षा उद्योग और अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम मेक इन इंडिया में तेजी लाने के लिए एक कदम उठा रही है। तो ये किस लिए था, ये मेक इन इंडिया के जो कार्यक्रम हैं और भारतीय रक्षा उद्योग जो है उसमें तेजी लाने के लिए कदम भारत सरकार ने उठाए हैं। तो अमेरिका से इस पर रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, नेक्स्ट है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उदयपुर, नाम तो आपने सुना ही होगा उदयपुर का। उदयपुर दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में 3रे स्थान पर है फ्रेंड, दुनिया के जो अच्छे शहरों में 15 की सूची निकाली है 15 शहरों की, उसमें उदयपुर 3रे स्थान पर है। ये बहुत बड़ी बात है, उदयपुर राजस्थान में है, आप सब लोग जानते होंगे। और उदयपुर का इतिहास देख लेते हैं, उदयपुर किन किन चीज़ों में आगे है, किस पैमाने पर ही नापा गया है कि किस कौन सा शहर किस स्थान पर कैसे अच्छा है। उदयपुर एक शहर को एक बार फिर 2018 में ट्रेवल और प्लस लेज़र फ्रेंड्स यहाँ देखने वाली बात है, ट्रेवल और लेज़र दो पैमानों पर यहाँ पर नापा गया है, मतलब द्वारा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में स्थान दिया गया है। तो उदयपुर 16वीं शताब्दी में, इतिहास में नज़र डालते हैं थोड़ी सी, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा द्वारा निर्मित विरासत शहर है और दुनिया के 15 अच्छे शहरों में 3रे स्थान पर है आज के ज़माने में। और फ्रेंड जो 1 और 2 पर हैं, नंबर 1 और नंबर 2 हैं, वो हैं मैक्सिको के 2 शहर हैं, उनके नाम हैं सैन मिगेल डी ओलंडे और ओक्साका। फ्रेंड्स फिर गूगल पर यूरोपीय संघ ने 4.3 बिलियन यूरो एंड्रॉयड जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना क्यों लगाया है हम ये बात भी आपको बता देते हैं, क्या बात फ्रेंड, बात कुछ ऐसी थी कि एंड्रॉयड मामले पर गूगल पर 4.3 बिलियन यूरो यानी लगभग 34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और यूरोपीय आयोग ने कहा कि फर्म ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को अवैध रूप से सर्च में अपनी प्रमुख स्थिति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, इनका यूरोपीय संघ का ये कहना था। फर्म की मामूली मूल कंपनी अल्फाबेट को अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में को बदलने के लिए 90 दिन दिए गए हैं। यह अपने औसत वैश्विक दिनांक दैनिक कारोबार के तक 50% का जुर्माना 5% का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो ये थी इसमें अहम बात जो इस पर जुर्माना लगाया, कितने का लगाया, 4.34 बिलियन यूरो यानी लगभग 34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हम नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, ताजमहल के पास औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र ने एक पैनल बनाया है। वो क्या पैनल है, आप इस पर निगाह डालने एक बार। सरकार ने प्रतिष्ठित ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने अधिकारियों NERT और IIT के अन्य मंचों के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई है। फ्रेंड्स ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ता जा रहा है वो है उसके, मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, अक्सर पूछा जाता है साइंस में कि ताजमहल का रंग है वो किस कारण
फीका पड़ता जा रहा है, तो वह SO2 के कारण यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का जो कलर्ड है वो फीका पड़ता जा रहा है। पिछली बार आपने सुप्रीम कोर्ट की एक कमेंट भी देखा होगा इसके ऊपर। तो उसमें दो पॉइंट ये दे रखे हैं, समिति की अध्यक्षता समिति की अध्यक्षता सी के मिश्रा वन और जलवायु परिवर्तन सचिव पर्यावरण मंत्रालय करेंगे, और प्रतिष्ठित मुगल स्मारक को बनाने के लिए बचाने के लिए जाने वाले मुद्दे और कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, ये था आज के करंट अफेयर्स 19 जुलाई का। हमने आपको पूरा करंट अफेयर्स विस्तार से समझाया। यदि आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट हमें कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए होता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।